चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से हमें मिल रही है। लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर चुनौती देंगे आरोपी अफसर। सरकार को आरोप पत्र का भी जवाब देंगे आरोपी अफसर। गृह विभाग ने सचिवालय से कार्रवाई की अनुमति मांगी थी। सीबीडीटी की रिपोर्ट भेजकर आगे की कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को तीनों आईपीएस अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी थी। लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन का मामला। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर आरोपी अफसर अब चुनौती देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का। वैभव जी, लोकसभा चुनाव में काले धन के जो लेन देन का मामला था, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर अब आरोपी अफसर चुनौती देंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो लोकसभा चुनाव हुए तो उस वक्त का ये मामला है, काले धन का मामला, जो कि एक लिस्ट भी वायरल हुई थी, हमने देखा था। लिस्ट की सत्यता की जांच फिलहाल की जा रही है। तब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे जब का ये पूरा मामला है, तो इस मामले की लगातार जांच हुई और परत दर परत कुछ खुलासे भी हुए। तो उसमें जिन अफसरों के नाम सामने आए, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सरकार के द्वारा उन सभी को नोटिस दे दिया गया। हालांकि एक महीने का डिले हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में जो फाइल थी, इन जो अधिकारी थे, चारों अधिकारी संबंधित, वो लटकी रही, तो अब इसलिए एक महीने की डिले हुई। लेकिन ऐसे में जो आरोपी अफसर हैं, उन्होंने भी कोर्ट के पुराने फैसलों को आधार बनाकर सरकार को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उसका जवाब भी ये अफसर देंगे। इन अफसरों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सीबीडीटी की जो अप्रेजल रिपोर्ट है, उसके आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा उस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की कर दी गई है, जो कि गलत है। तो जो आरोपी अफसर है, उन्होंने भी अपनी कानूनी पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं, जो कि इस संबंध में आए हैं, अधिकारियों से संबंधित, अप्रेजल रिपोर्ट से संबंधित, तो क्या अब सरकार के द्वारा भी चूंकि कोशिश की जाएगी कि आरोपी जब अफसर अपना जवाब पेश कर देंगे, तो उस जवाब के आधार पर सरकार उनसे और भी सवाल पूछेगी। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी अफसर सरकार के प्रत्येक नोटिस का जवाब देंगे, सरकार के द्वारा जो उनको नोटिस दिया जाएगा, इसके साथ ही सरकार की कार्रवाई पर भी आरोपी अफसर सवाल खड़े करेंगे। और स्पष्ट रूप से अधिकार के द्वारा कहा गया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कार्रवाई की है, वो पूरी तरीके से गलत है। जी बाबू जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन के मामले में आरोपी अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर सरकार की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी